हमारे बाप के गुलाम होने की बात नहीं होगी, हमारे बाप के हम गुलाम हैं। तीन मारा है तुम्हारे बाप का दिया हुआ खाते हैं क्या? क्यों, जब तुझे मालूम है कि तेरा आदमी मुल्जिम है तो क्यों नहीं हाजिर हो रहा? क्यों, कितनी बार पुलिस आए? बेशर्म हो, बेहया हो क्या? अरे पुलिस कितनी बार आया तुम्हारे यहाँ? तुम कौन हो उसके? हम तेरे पिता के हैं। तो तुम्हें पता नहीं तुम्हारा आदमी कहाँ है लड़का? चल बैठिए बैठिए, बैठिए महिला। क्यों रे, कौन था ये? छुटके मारेंगे 10 लाख पटके तुम्हारे हम खोपड़ी पे, समझ गए ना? मार जूता तुम्हारी लाल खोपड़ी लाल कर देंगे। ठीक है, डेढ़ डेढ़ फुटके। ये गालियां और ये धमकियां, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये है देवरिया का सीन। और ये हैं देवरिया जिले के भटनी थाना प्रभारी रणजीत सिंह भदौरिया। पहले तो दारोगा साहब रात में दबिश देने पहुंच गए और सीधे आरोपी के घर की महिलाओं को हड़काने लगे। ये सब वो बिना महिला पुलिसकर्मी के कर रहे हैं। अब दारोगा जी ये कर रहे थे तो किसी ने वीडियो बना लिया और फिर ये वीडियो पहुंचा नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के पास। उन्होंने सीधे यूपी पुलिस से सवाल पूछ लिया। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश के देवरिया भटनी के एसओ भदौरिया पुलिस बल के साथ पहले तो बिना महिला पुलिस के घर में घुस गए और फिर महिलाओं को धमकाया। तुम्हारे बाप के गुलाम है क्या? तुम्हारा दिया हुआ खाते हैं क्या? बेशरम बेहया हो क्या? तुम्हारे घर पर बुलडोजर चला देंगे, तुमको आराम से रोटियां नहीं खाने देंगे। किसी भी परिस्थिति में ये अस्वीकार है, अक्षम्य है। तथाकथित बुलडोजर वाला न्याय आतंक और तानाशाही का प्राय है। मैं इसलिए तथाकथित बुलडोजर वाले न्याय का शुरुआत से ही पुरजोर विरोध करता रहा हूँ। एक पुलिस कर्मचारी की भाषा महिलाओं के प्रति ऐसी होनी चाहिए। डीजी उत्तर प्रदेश मामले का संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करें। दरअसल ये मामला थाना भटनी क्षेत्र के ग्राम भरौली का है। चुनाव के वक्त गांव के दो पक्षों में मारपीट हुई। भरौली निवासी अवनीश शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने गांव के आनंद गुप्ता, कन्हैया गुप्ता, परमानंद गुप्ता समेत 5 लोगों के खिलाफ धारा 307 के तहत केस दर्ज किया और इस मामले में आनंद गुप्ता और उनके पिता कन्हैया को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। बाद में दोनों को जमानत मिल गई, लेकिन परमानंद गुप्ता अभी तक फरार चल रहा है। इसलिए गिरफ्तार करने व सरेंडर कराने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इसी दौरान ये वीडियो वायरल हुआ। वहीं देवरिया पुलिस ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने लिखा कि थाना भटनी पर गंभीर धाराओं में पंजीकृत अभियोग के वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक भटनी मय विवेचक उसके घर पर पहुंच गए। अन्य आरोप के संबंध में जांच क्षेत्राधिकारी भाट पारानी को सुपुर्द की गई है। अब देखना यह है कि चंद्रशेखर के दबाव के बाद क्या इस मामले में कोई एक्शन होता है। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।